हेलो भाई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब जय माता दी और आज है दिन शनिवार का और आज मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट की और आप लोगों का बहुत कमेंट था कि दीदी आप डेली ब्लॉग डाला कीजिए तो कोशिश करूंगी कि मैं डेली डाल सकूंगा मतलब एक दिन बीच करके ही और चलिए तो आज सैटरडे का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ सुबह का भी सात बज रहा है मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग डस्टिंग जो भी था सो सारा काम खत्म हो गया पूजा का भी काम खत्म हो गया है और अब चलती हूँ चाय पानी भी हो गया अब चलती हूँ किचन में नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद में और सब जो काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अच्छा कॉमेंट था कि आपने बाल क्यों कटवा दिए हाँ ऐसे कोई गलत कॉमेंट नहीं था अच्छा कॉमेंट था वो जानना चाहे कि बाल क्यों कटवा दिए जब आपका बाल अच्छा था तो तो इसलिए कटवाई ना कि थायराइड बढ़ने की वजह से ना हल्का सा मेरा थायराइड बढ़ गया था मेरे लापरवाही से मैं खूब केला और दही खा रही थी जिसके कारण बढ़ गया था तो अभी ठीक है नॉर्मल है तो इसके कारण ना बाल मेरे गिर रहे थे तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे अगर छोटा रहे तो मोटा मोटा सा बाल लगता है अभी मैं बाल में तेल लगाई हुई हूँ तो चिपकू चिपकू से सर्द लग रहा है तो इसीलिए मैं बाल कटवाई और ऐसा कुछ नहीं और ये अपने हाथ की खेती है अपने घर की खेती है बढ़ ही जाएगा तो चलिए चलते हैं किचन में तो जी बस मैं आ गई हूँ किचन में और काम अपना स्टार्ट कर दी चना दाल में धोकर फूलने के लिए रख दी थी तो 20 मिनट के लिए रख दी थी चना दाल फूलने के लिए तो वो भी फूल गया है और अभी का क्या, क्या है ना कि हरा सब्जी साग खा खा करके ना मन थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं तो सोची कि तड़का बना दूँ फिर सोची कि नहीं मसाले वाली जो सब्जी बनती है वही मैं बना लेती हूँ इसमें ज़्यादा कुछ झमेला नहीं मतलब कि तड़का जैसा ही होता है पर टेस्ट तड़का से थोड़ा सा अच्छा आता है तो मैं तीन से चार काटी थी प्याज और मेथी जीरा का फ़ोरन डाली थी और प्याज का वही थोड़ा सा फ़ोरन मैं डाली थी और फ़ौरन के मतलब चार प्याज जो काटी थी उसको हल्के से मैं भूनी उसके बाद में मसाले जो रेगुलर के मसाले होते हैं डालती हूँ वही डाली थोड़ा सा एक पैकेट का मसाला आता है उसको डाली और दो टमाटर काट करके इसमें डाल दूँगी जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर चना दाल को जो फुला करके मैं रखी हूँ बॉयल करके नहीं रखी फुला करके ही रखी मतलब कि कुछ देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दी थी तो उसको डाल करके और सब्जी बना लूँगी तो ये सब्ज़ी हो जाएगा फ्रिज में मैं आलू उबाल कर रखती हूँ अगर आप आलू खाने के शौकीन हैं ना तो कोशिश कीजिए कि आलू को बॉयल करके कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें कुछ देर या मतलब तीन से चार घंटे के लिए फ्रीज में रख दें इससे क्या होगा ना कि उसका जो शुगर है जो आलू में शुगर मिलता है ना, पाया जाता है ना सो आलू का ना शुगर 50 परसेंट तक कम हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि अगर आलू खाने के मेरे जैसे शौकीन हैं, तो आलू को बॉईल करके फ्रीज में रख दीजिए चलिए यहाँ पे मैं वही सब्जी बना रही हूँ साथ में बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म रोटी और अभी का मौसम जो है ना सो कुछ अच्छा वाला मतलब कि आलू का पराठा या सत्तू का पराठा खाने का है पर जो है वही मैं बना रही हूँ अभी आलू का पराठा रात में ही खाई थी तो अभी आलू का पराठा हस्बैंड खाएंगे भी नहीं आलू का जो भड़ावन रहता है वो भरने का भून उन कर मैं रखी हूँ पर खाएंगे नहीं तो उसको छोड़ दी कि चलो कि शाम के नाश्ता में एक एक ठू चाय के साथ आलू के पराठे हो जाएंगे तो बस यही सब्जी मैं बना ले रही हूँ और फिर आप लोगों को बाहर भी ले कर के चलूँगी और सब्जी में ज़्यादा से झमेला भी नहीं खाने में भी अच्छा लगता है देखिए इस तरह से भून गया है और टमाटर भी अच्छे से भून गया था तो बस इसमें मैं पानी डाल दूंगी और छोड़ दूंगी पकने के लिए अच्छा एक कमेंट आया था राजेश्वर जी का थैंक यू राजेश्वर जी कि आप बहुत सारे मेरे ब्लॉग देखे और देख कर के कॉमेंट भी किए तो आपको दिल से धन्यवाद क्योंकि आप बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं बहुत ही प्यारे व्यवर्स है वैसे तो सारे व्यवर्स मेरे बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं पर जब मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी ना तो कम से कम ये 50 वीडियो को देखे हैं और कमेंट किए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया इतना मतलब कि प्यार दिखाया अच्छा आपका कमेंट था कि चौकी बेलन जो है ना सो बर्तन जूठा बर्तन के साथ नहीं धोना चाहिए तो मैं आपके बात को बिल्कुल मानती हूँ और मैं भी नहीं धोती हूँ पर कभी कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी कभी कभी ऐसा होता है ना कि ध्यान मेरा बिल्कुल ही नहीं रहता है दूसरे तरफ अगर दूसरे काम में अगर ध्यान रहे ना, ना। तो मुझसे यह गलती हो जाती है मैं इस बात को जरूर मानूंगी कि कभी कभी आज ही नहीं जो आप ब्लॉग देखकर कमेंट किए तो वही ब्लॉग में नहीं ऐसे होता है मेरे साथ कभी कभी जैसे कि शायद महीने में एक दो दिन ऐसा हो ही जाता है जो दिमाग अपसेट रहा किसी काम में अगर रहा तो वो मुझसे गलती हो जाता है पर वैसे मैं ध्यान रखती हूँ कि गर्म तवे में पानी नहीं डालना चाहिए या जो तवा है उसको पलट के नहीं रखना चाहिए या फिर चौकी बेलन को जूठे के साथ नहीं धोना चाहिए तो ध्यान रखती हूँ पर कभी कभी गलती मैं ये कर देती हूँ मैं झूठ बात नहीं बोलूँगी तो वही है माफी चाहती हूँ और ध्यान दूंगी कि ये गलती मुझसे ना हो तो यहाँ पे रोटी तैयार है सब्जी तैयार है और चटनी और साथ में साग आप लोग भी बोलेंगे साग के साथ रोटी कौन खाता है पर हम लोग तो रोटी ही खाते हैं ना तो इसीलिए साग भी ले लेती हूँ क्योंकि बगान में जो है ना साग बहुत सारा हुआ है आप लोगों को दिखा भी रही हूँ और हम लोग तो रोटी ही वैसे खाते हैं और पता है गांव में जैसे कि यहाँ पे लोग जानते हैं ना कि लोग रोटी ही खाती है हफ्ते में अगर एक दिन चावल हुआ तो खा नहीं तो पंद्रह दिन पे एक दिन चावल हम लोग खाते हैं तो लोग जान करके ना मतने मतलब उन लोगों को ना आश्चर्य लगता है कि ये लोग रोटी खा करके कैसे रहते हैं चावल कैसे नहीं खाते हैं अच्छा ये वाला फूल जो है ना इसमें कम से कम बीस पच्चीस पीस फूल खिलता था जो कि अभी सूख गया है तो वो मैं आप लोगों को दिखाई पत्ता भी इसका बहुत सुंदर लगता था और फूल देखिए कितना सुंदर है तो रास्ते से जो भी जाते हैं ना तो वो बोलते थे कि ये कौन सा फूल है तो हम लोग को खुद ही मालूम नहीं था कि ये कौन सा फूल है तो इसको हम नाम दे दिए ना रॉक स्टार अगर कोई पूछता था ना तो बोल देती थी इसका नाम है रॉकेश्टार सच में बहुत सुंदर फूल था तो अब तो वो मुरझा गया है और यहाँ पर रास्ता बन रहा है दूसरे गेट से जाने के लिए और दो गेट है हम लोगों का ये घर से निकलने का जैसे कि बाहर जाने का तो वही वाला थोड़ा सा इसको मिट्टी काट करके और ये मतलब कि बगान जैसा बनाया गया मतलब उस खेत को तैयार किया गया है सब्जी के लिए उसमें हम लोग सोच रहे हैं ना कि प्याज लगाएंगे नीचे में मतलब पूरा मिट्टी काट करके और उस मिट्टी के अंदर ना बहुत सारा बालू ईटा पत्थर था तो उसको भी हटवा करके कम से कम दो तीन हाथ मिट्टी कटवा करके उसको हटा करके उसके अंदर जो भी घास था बागान का उसके अंदर डाल करके फिर मिट्टी डालकर गोबर डाल करके उस मतलब कि बाड़ी को तैयार किया जा रहा है और वहाँ पे आप लोग देखें ना वो गोबर था जो कि काट करके हस्बैंड उस तरह से करवाए हुए थे और बहुत सारा बंदर आ गया था जो कि मेरा फूल ना बहुत सारा नोच नाच करके रख दिया है गुस्सा तो इतना आता है ना कि अगर पकड़ा जाता ना तो दो चार डंडा देती मैं ज़रूर वैसे बोलना नहीं चाहिए कि बंदर को मारना चाहिए सो यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं सो आ गए हैं तो वही है यहाँ पे आ गई हूँ मैं साग तोड़ने के लिए और बहुत बड़ा बड़ा पत्ता हो गया है पालक का वो जो चार पाँच दिन पानी जो गिरा था ना दस दिन पहले उसके वजह से ही बहुत सारा मतलब कि बड़ा बड़ा सा पत्ता हो गया था तो बस यहाँ पे मेथी और पालक दोनों मैं तोड़ रही हूँ लाल साग थोड़ा सा तोड़ा हुआ है तो मतलब अभी क्या हो गया है ना डेली खाने में साग चाहिए ही हस्बैंड उतना नहीं पसंद करते हैं कहते हैं कि तुम साग खा खा कर मेरा मन भर गया तुम ही खाओ पर मुझे ज़रूर चाहिए हस्बैंड थोड़ा सा खाते हैं पर मैं ज़्यादा साग खाती हूँ और घोटुआ साग बनाती हूँ भून करके जो बनता है वो नहीं घटुआ साग मैं बनाती हूँ वो अच्छा लगता है तो अगर मन कभी करता है चावल खाने का तो खा लेते हैं नहीं तो हम लोग रोटी के साथ ही खाते हैं बस यहाँ पर देखिए कुछ साग तोड़ करके लाई और सीधा आ गई हुई इस रूप में और इस रूम में देखिए हस्बैंड सुबह नहाए ना तो नहा करके जैसे ही उनको टॉवल नहीं मिला ना तो वो सारे कपड़े को जो इधर उधर करके अपना खोजे और फिर भी नहीं मिला तब चिल्लाए कि कहाँ रख दी है तो वही ला करके मैं दी थी और चिल्लाई भी मैं भी चिल्लाई कि आप पूरे अल, अलना को जो है ना बिखेर करके रख देते हैं कपड़े को तो वहाँ बगान से आकर के सीधा मैं आ गई इसमें कि नहीं पहले मैं इसको सेट कर लूँ नहीं तो मेरा देह में जो है ना सुबह बेचैनी जैसे होने लगती है कि हाँ वो सब बिखरा हुआ है तो बस यही मैं अपना समेट ले रही हूँ उसके बाद मैं फिर जाऊँगी किचन में और कद्दू का देखती हूँ कद्दू थोड़ा सा बचा हुआ है ठंड के सीज़न में तो कद्दू मतलब कि बहुत लोग नहीं खाते पर हम लोग खाते हैं तो वही कद्दू है तो उसका मैं कोफ्ता बनाऊँगी और कल एक शादी थी तो हस्बैंड अपना टाई खोज रहे थे पर ये टाई देखिए कि नहीं मिला और आज जब मैं इसको आई ठीक करने के लिए तो यहाँ पे टाई रखा हुआ था और कौन सा सामान मैं भी ना भूल जाती हूँ कहाँ रख देती हूँ छोटा सा चीज़ मतलब भूल जाती हूँ तो वही है उसको भी मैं रख दी जहाँ पे रखना था उसको और आ गई हूँ ये सब साग जो भी मैं तोड़ करके लाई मेथी का पत्ता जैसे कि हस्बैंड बोले कि आलू और मेथी का भुंजिया कर देना तो वो हम खा लेंगे पर पालक नहीं खाएंगे तो ज़्यादा पालक भी नहीं खाना चाहिए मतलब खाना चाहिए पर उतना नहीं खाना चाहिए जितना कि मैं खा रही हूँ और मुझे ना डर भी लग रहा है हस्बैंड बोल रहा है जब पेट में पथरी होगा ना तब समझेगी पत्थर होगा तो तो चिढ़ाते रहते हैं पर मुझे अभी ऐसा हो गया है ना कि जब तक मैं साग ना खाऊं मेरी जेठानी जी ना डेली मतलब उनको साग चाहिए तीस दिन वो साग खाती हैं चीनी वैसे बहुत खाती हैं पर साग खाने की वजह से शायद चीनी का जो साइड इफेक्ट है उसको काट देता है तो मुझे भी लगता है कि मैं भी चाय जो है ना सो बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ और थोड़ी सी मीठी वाली चाय पीने लगी हूँ तो हस्बैंड को बोलती हूँ कि पालक खाऊँगी तभी तो मेरा चीनी काटेगा ये पालक जा कर के तो बस वही है और यहाँ पे मैं अब कद्दू निकाल ली इसी का मैं कोफ्ता बनाऊँगी कद्दू को अच्छे से मैं घीस ली घीस करके उसका पूरा पानी निकाल दी अजवाइन मंगराइला डाल दी उसके बाद मैं डाली कसूरी मेथी थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हरी मिर्च काट करके डाली थोड़ी सी मसाला डाली और बेसन यही डाल करके और इसको अच्छे से मैं सेक ले रही हूँ सेक करके ही बनाती हूँ और अगर तल कर बनाइए तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है गोल गोल बना करके अगर तल लीजिए तो पर इसका भी स्वाद अच्छा आता है और तेल ज़्यादा जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि तेल हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो बस वही है गरम, मसाला प्याज और सभी सब, सब हिम उंग डाल करके फ़ौरन डाल दी उसके बाद में अच्छे से प्याज को भून ली तब बेसन डाली बेसन को भी अच्छे से भून करके दही डाली और जो रेगुलर के मसाले होते हैं वो सब डाल करके अच्छे से भून ली उसके बाद में वो कद्दू का जो पानी बचा हुआ था सो थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके के इसको बॉयल कर ली और बॉयल करने के बाद में ये जो बड़ी बना करके रखी थी उसको डालकर बॉयल कर दी तो अभी टाइम हो गया है सवा पाँच का और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ साथ में कपड़े भी धोने के लिए डाल दी क्योंकि आज पूरे दिन ना वोल्टेज अप डाउन अप डाउन करते रहा तो कपड़ा नहीं लगाई थी और अभी मैं डाल दी धोने के लिए तो रात भर में ना आसानी से सूख जाती है कपड़े जो भी है सो तो पंखे के पास डाल देती हूँ तो मशीन में सूखा हुआ रहता ही है और पंखे के पास डाल दीजिए तो सुबह तक बिल्कुल ही अच्छे से सूख कर कपड़ा तैयार हो जाता है तो यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ चाय चाय पी और हस्बैंड बोल रहा है कि पैर में ठंडा लग रहा है तो पैर को ढक रहे हैं बस यहाँ पे चाय भी उधर मैं आलू पटल पकने के लिए रख दी क्योंकि आज है सैटरडे सैटरडे के दिन ना ज़रूर कुछ पका हुआ चीज़ चूल्हा पे पका हुआ चीज़ खाना चाहिए तो इसलिए मैं आलू और पटल को रख दी पकने के लिए और चोखा वैसे भी आलू पटल का अच्छा लगता है और सुबह का जो दोपहर का बना हुआ था वो सब्जी वो भी है तो वैसे मिला जुला करके हो जाएगा खाने के लिए रात में गर्मा गर्म रोटी सेक लूँगी और थोड़ा सलाद काट लूँगी तो वही हो जाएगा यहाँ पे आ गई हूँ इस रूम में और सुबह की जो है ना थोड़ी मोड़ी तैयारी मैं सुबह की अभी ही करके रखती हूँ जैसे सारे रूम का बेडशीट मैं झाड़ देती हूँ कुशन उसन जो सोफा पे लगाने का रहता है वो सब कर देती हूँ तो ये सब काम ना रात में ही मैं समेट लेती हूँ इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा भी लेती हूँ जय माता दी